ठीक, यस। सो क्वांटिटेटिव मेथड में सबसे पहला है, देखो याद रखिएगा कि क्वांटिटेटिव है इसका मतलब इट इज गोइंग टू वर्क विद द नंबर्स, राइट। सो यहाँ पर जो आपका क्वांटिटेटिव मेथड है इसमें मैथमेटिकल अप्रोच को यूज किया जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जा रहा है, राइट। तो सबसे पहला जो सिंपल प्रोजेक्शन मेथड है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू एड सम फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ सेल्स ग्रोथ ओवर द लास्ट ईयर सेल्स अराइव एट द सेल्स फॉरकास्ट। इसका फॉर्मूला क्या लिखे, नेक्स्ट ईयर सेल्स, यानी नेक्स्ट ईयर का जो सेल होगा, उसको निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग सेल्स फॉरकास्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगले महीने का या अगले साल का हम लोग या फिर दो तीन साल आगे का ऐसे कुछ फॉरकास्ट करेंगे, ज्यादातर हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरकास्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ईयर का सेल होगा दैट इज गोइंग टू इक्वल टू दिस ईयर सेल, यानी जिस इस साल जितना सेल हुआ है इस साल का जो सेल है वो, और इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस ईयर सेल बाय लास्ट ईयर सेल, दिस ईयर सेल बाय लास्ट ईयर सेल। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए कि जो अगले साल का जो हमें निकालना है सेल, कि कितना सेल होगा हमारा गुड्स, वो डिपेंड करेगा जिस साल हम सेल्स फॉरकास्ट कर रहे हैं, यानी 2022 में अगर हम लोग सेल्स फॉरकास्ट कर रहे हैं तो 2023 के लिए कर रहे हैं, तो 2022 का जो सेल होगा उस समय तक उसका वो अमाउंट, दिस ईयर जो सेल है वो, उसके अलावा वी आर गोइंग टू डिवाइड, मगर इस साल के सेल को लास्ट ईयर के सेल के बेसिस पर, यानी 2021 के। तो यानी 2023 का निकालने के लिए हमें 2022 मल्टीप्लाई बाय 2022 डिवाइडेड बाय 2021, समझ में आया। तो इट इज गोइंग टू बी गिव द आंसर फॉर सेल्स फॉरकास्ट ऑफ 2023। मान लीजिए एक न्यूमेरिकल बनाते हैं इसके ऊपर, बनाया जाए, मान लीजिए एग्जांपल में कि 2022 मान लीजिए कि दो इस साल जो हमारा सेल हुआ है वो 5 लाख रुपए का हुआ है, कितने का हुआ है, 5 लाख का, तो ₹5 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 लाख है तो 5 लाख, ठीक है। लास्ट ईयर सेल जो हुआ था हमारा, हुआ था उस समय तक, मान लीजिए 6 मंथ का हम कैलकुलेट करें एग्जांपल में, जून तक का, तो जून तक में उस लास्ट ईयर सेल हुआ था मान लीजिए 10 लाख। एग्जाम्पल में लो, एक 6 महीने का अगर तुम ड्यूरेशन ले रहे हो तो 6 महीने का ले लो ड्यूरेशन, मतलब मान लीजिए कि अगर हम 2022 के जून में 2023 का फॉरकास्टिंग कर रहे हैं तो हम लास्ट ईयर जो जून तक का जो सेल था वो देख लेंगे, समझ में आया। तो 10 लाख था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 5 लाख मल्टीप्लाई बाई ये 5 गया, ये 5 समझ आया, यानी कि अगले साल जून तक 2.5 लाख का समान फॉरकास्ट किए हम लोग सेल होगा, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आया कि इस साल का ये सिंपल प्रोजेक्शन मेथड है जहां पर सिर्फ हमें डेटा किसका चाहिए, इस साल कितना सेल हुआ है उसका, पिछले साल कितना सेल हुआ था सिर्फ उसका। क्यों लोगे, जब आप लास्ट में, अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मान लीजिए हमें 6, ये मान लो 2022 का ही पूरा साल का है, यही मान लो तुम्हें अगर इतना लग रहा है, वो ये 2022 का पूरा है, 2022 तो बीता नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मतलब उससे कुछ लेके अगर लास्ट ईयर के पास पूरा है तो पूरा ले सकते हैं कि नहीं। अगर आप लास्ट ईयर का पूरा ले रहे हैं तो इस साल का भी पूरा ही लीजिएगा ना, 6 महीने को 6 महीने के साथ कंपेयर करोगे, 6 महीने को 1 साल के साथ कंपेयर करोगे, इक्वली कंपेयर करोगे ना, तो इन दैट कंडीशन यू आर गोइंग टू यूज दिस मेथड। ये समझ में आया, यहाँ पर क्लियर हो गया ना एकदम। चलिए नेक्स्ट, जो सिंपल प्रोजेक्शन मेथड है यहाँ पर जो अप्रोच होती है कंपनी की, वो अप्रोच होती है कि स्टेबल ग्रोथ के बेसिस पर, यानी लास्ट ईयर से इस साल मेरा कितना ग्रोथ हुआ या लास्ट ईयर से इस साल मेरा कितना कम ग्रोथ हुआ, उसके बेसिस पर हम नेक्स्ट ईयर का भी सेल्स फॉरकास्ट करेंगे।
वो मैंने कराया था सर्विस ऑफ बायर इंटेंशन, नहीं हुआ था. ओके लेट मी कंप्लीट इट. सो सिंपल प्रोजेक्शन मेथड का पूरा प्रोसेस समझ में आया. इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, करेंट ईयर, लास्ट ईयर और इस नेक्स्ट ईयर, यानी जो सेल्स फॉरकास्ट करें आगे फ्यूचर डेट के लिए, उसके लिए हमें दो चीज चाहिए, लास्ट ईयर डेटा और करेंट ईयर डेटा. क्लियर. चलिए नेक्स्ट वन इज सर्वेज ऑफ बायर इंटेंशन. ये क्वालिटेटिव में था ना, सर्वेज ऑफ बायर इंटेंशन. यहाँ पर आपका जो मेथड है इट इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर द इंडस्ट्रियल मार्केट. इंडस्ट्रियल मार्केट का मतलब क्या होता है, जहां इंडस्ट्रीज एक दूसरे के साथ डील कर रही हैं, B2B बिजनेस टू बिजनेस. ठीक है, जहां पर पोटेंशियल परचेजर जो है वो बहुत कम नंबर है, क्योंकि देखो कंज्यूमर्स तो बहुत है. अगर 135 करोड़ हमारे देश की आजादी है तो हर 135 करोड़ कंज्यूमर भी है, सही बात है. तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए कि सिर्फ अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज के साथ डील करती है दैट इज वेरी लिमिटेड. ट्रू, दैट इज वेरी लिमिटेड. सो इट इज सुटेबल फॉर हु आर बेसिकली इंडस्ट्रियल मार्केट. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यू आर गोइंग टू कॉपरेट एंड बेसिकली पास्ट रिकॉर्ड निकालिए और पास्ट रिकॉर्ड में देखिए कि जो आपकी इंडस्ट्रियल बायर्स थे उन्होंने आपसे कितना क्वांटिटी गुड्स खरीदा था लास्ट ईयर. तो उस बेसिस पर जब आप कोई डेटा तैयार करेंगे कि इस साल या अगले साल क्या सेल होगा, अगले साल क्या सेल होगा, दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली किसके बेसिस पर आ रहा है इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द लास्ट ईयर डिमांड ऑफ द गुड्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल बायर. क्लियर हो गया. तो इसको कहेंगे सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन. मार्केटर्स जो है वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा. और उसके अलावा ये तो वो हुए इंडस्ट्रियल आपके कंज्यूमर्स या इंडस्ट्रियल बायर जो कि जिन्होंने आपसे गुड्स खरीदा है. मल्टीपल नंबर ऑफ बिजनेसेस आर इंक्रीजिंग नाउअडेज, तो आगे चल करके आपके साथ और कितने पोटेंशियल बायर्स और पोटेंशियल कंज्यूमर्स एड ऑन होने वाले हैं उसका भी लिस्ट आप सर्वे करोगे. तो यहाँ पर हमें सर्वे करना है बायर के इंटेंशन का कि कौन आपके गुड्स को खरीदने के लिए रेडी है. ठीक है, तो एक तो जो आपके पास ऑलरेडी बायर्स है उनका डेटा, कितना उन्होंने आपसे परचेज किया उसका नंबर्स निकालो, और जो करेंट और न्यू अभी जो एड ऑन हुए हैं आपके इंडस्ट्रियल बायर्स के लिस्ट में उनको भी आप क्या करो, बेसिकली उनको उनके ऊपर सर्वे करो कि कितना वो खरीद देंगे. तो इसको कहेंगे सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंस. क्लियर हो गया, समझ में आया. नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल प्रोजेक्शन मेथड. क्लियर है, तो यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल चल रहा है, समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वन इज टाइम सीरीज एनालिसिस. टाइम सीरीज एनालिसिस ये लिखा था ना, ईयर समझाने के लिए लिखवाया था. टाइम सीरीज एनालिसिस अब टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, तो इस मेथड में जो फॉरकास्टर है, फॉरकास्टर कौन, जो सेल को फॉरकास्ट कर रहे हैं, तो फॉरकास्टर स्टडी करेगा पास्ट सेल्स डेटा ऑफ द कंपनी एंड अटेम्प्ट टू डिस्कवर अ पैटर्न और पैटर्न इन कंपनी सेल्स ओवर द टाइम. तो यहाँ पर एक लास्ट ईयर का डेटा की जरूरत नहीं है सिंपल प्रोजेक्शन मेथड की तरह, यहाँ पर हमें 5-7 साल के डेटा की जरूरत है, यानी कि पैटर्न को आप एनालाइज करिएगा. जैसे मान लीजिए 2015 में आपका जो प्रोडक्ट था वो सेल हुआ था 10 लाख, कितना हुआ था 10 लाख, ठीक है, क्वांटिटी मान लो 10 लाख सेल हुआ. ठीक है, 2016 में ये जो था ये आपका क्वांटिटी जो है वो खिसक के हो गया 8 लाख, कितना हुआ 8 लाख. 2017 में मान लीजिए ये 8 लाख जो था ये खिसक के हो गया कितना 6 लाख. तो एक पैटर्न दिख रहा है, पर ईयर 2 लाख क्वांटिटी डिक्लाइन जा रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पैटर्न नजर आ रहा है. तो यहाँ पर यही चीज बोला जा रहा है कि कंपनी यानी जो फॉरकास्टर होगा कंपनी का वो एनालाइज करेगा, डिस्कवर करेगा कि पैटर्न क्या रहा है कंपनी के सेल का कुछ पास्ट ईयर्स में. ठीक है, उसके बाद इन केस पैटर्न इज आइडेंटिफाइड इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर अ फॉरकास्ट. यानी कि अगर आपने पैटर्न एनालाइज कर लिया तो एक सेल्स फॉरकास्ट का पैटर्न जो है वो अपने आप पता लग जाएगा. अब जैसे एग्जांपल में 2017 का बात किया तो 2016 में तो अपने आप ये 18 में तो पता लग रहा है ना कि कैन बी 2 लाख, ये हो सकता है
पॉसिबली, तो मैंने डिक्लाइनिंग फेज के हिसाब से बता दिया। अगर इसको जस्ट ऑपोजिट कर दो, मान लीजिए 6 लाख, अब 6 लाख हुआ, अब नेक्स्ट 7 लाख हुआ, नेक्स्ट 8 लाख हुआ, 9 लाख हुआ, तो इट इज गोइंग टू गिव द पैटर्न कि ये 1 के मल्टीपल में आगे बढ़ता जा रहा है ना। तो अगर पैटर्न आपको आइडेंटिफाई हो गया तो आप अगले साल का तो ऑटोमेटिकली ही सेल्स फॉरकास्ट कर लोगे कि इतना मेरा प्रोडक्ट स्टेबल इतना तो सेल होगा। अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहेगी, जितना हमने फॉरकास्ट किया जरूरी नहीं कि उतना प्रोडक्ट हमारा सेल हो जाए, लेकिन एक स्टेबल की बात हम करें अगर कि 1 लाख, 1-1 लाख हर साल बढ़ रहा है तो इस साल भी 1 लाख बढ़ जाएगा, ये तो मान के चलेंगे ना। तो अजम्पशन पे बेस्ड है आपका सेल्स फॉरकास्ट। अब यहाँ पर आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन द बिजनेस साइकिल थ्योरी। ये बिजनेस साइकिल थ्योरी, कब से आपका बिजनेस शुरू हुआ और कैसे आपका बिजनेस साइकिल रन कर रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। इट कैन बी बेस्ट बी यूज फॉर द लॉन्ग टर्म कंपनी फॉरकास्ट एंड इंडस्ट्री सेल्स प्रोजेक्शन। तो ये उन कंपनीज के लिए बेहतर है जो काफी सालों से है। अब जैसे जो नई कंपनीज है उनका तो इतना साल का डेटा ही नहीं कि आप आगे के लिए इस बेसिस पर सेल्स फॉरकास्ट करोगे। तो ये उन कंपनीज के लिए अच्छा है जिनके पास लॉन्ग टर्म कंपनी है, यानी काफी दिनों से, काफी सालों से कंपनी चल रही है, या तो वैसी कंपनी है जो इंडस्ट्री सेल्स की कंपनी है, राइट। टाइम सीरीज अप्रोच यहाँ पर यूज किया जा सकता है। टाइम सीरीज क्या यूज करोगे, टाइम सीरीज। ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल डेटा दे दिया ना, एक नॉर्मल डेटा दे दिया, लेकिन जो टाइम सीरीज है वो आपके टाइम के बेसिस पर आपके डेटा को एनालाइज करता है। इसका फॉर्मूला क्या लिखिए, टाइम सीरीज जो है ये किस तरीके से चलता है ये लिखिए। टाइम सीरीज में इनके यहाँ पर जो टाइम सीरीज अप्रोच है वो इन्वॉल्व किस किस चीज को करेगा, ट्रेंड एनालिसिस लिखिए। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड मतलब अभी किस चीज का ट्रेंड है। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये बीसीडी बना रहे होंगे जिसका ट्रेंड तो खत्म हो गया ना, तो इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी वो लिखिए ट्रेंड एनालिसिस में, मतलब क्या क्या चीजें टाइम सीरीज में आपकी इन्वॉल्व होगी, क्या क्या फैक्टर्स को हम यहाँ पर देखेंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स फॉरकास्ट को। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है ट्रेंड, क्या देखना है ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड मल्टीप्लाई मतलब सेल्स पता लगेगा, ट्रेंड मल्टीप्लाई बाय लिखिए साइकिल, साइकिल मल्टीप्लाई बाय सीजन एंड मल्टीप्लाई बाय रैंडम फैक्टर्स। ट्रेंड मतलब अभी आपका किस चीज का ट्रेंड है, यानी कि क्या चीज चल रहा है अभी लेटेस्ट, ठीक है। और हाँ रैंडम फैक्टर बता रही हूँ, रुक जाओ, सुकून है नहीं तुम्हारे अंदर। चलिए इन ट्रेंड एनालिसिस में देखिए क्या क्या आएगा। इन केस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस जो फॉरकास्टर है वो एग्जामिन करेगा एग्रीगेट सेल्स डेटा सच एज एनुअल सेल्स ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ सेवरल इयर्स टू फाइंड आउट वेदर द सेल आर मोस्टली स्टेबल और नॉट। तो यहाँ जो मैंने तुम लोगों को ट्रेंड बताया था दैट वाज रिलेटेड विद द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। बट यहाँ जो ये ट्रेंड यूज कर रहे हैं वो ट्रेंड ये है कि आपका 5 सालों से क्या सेल का रेशियो रहा है। इसमें लिख लो ट्रेंड एनालिसिस में लिखो The forecaster examine aggregate sales data। यहाँ पर trend में देखो क्या क्या चीजें आएंगी। यहाँ पर आपका forecaster किस चीज क्या करेगा, aggregate data जो है आपका aggregate sales data, जैसे कि आपका annual sales कितना रहा है हर साल 5-10 सालों से, वो उस चीज के ऊपर based होगा आपका trend। एग्रीगेट सेल्स या आपका जो एनुअल सेल्स रहा है सेवरल ईयर से, जो फॉलिंग और सेवरल ईयर से जो आपका रहा है एग्रीगेट सेल्स या एनुअल सेल्स, यानी कि हो सकता है कि ये कभी राइज हुआ हो कभी ये फॉल हुआ हो, तो इसको मैनेज किया जाएगा किसके अंडर, ट्रेंड के अंडर। समझ में आया, दिस पॉइंट इज क्लियर, समझ में आया। ट्रेंड में क्या लेंगे हम लोग कि 5 साल से आपके प्रोडक्ट का ट्रेंड क्या है, यानी कितना प्रोडक्ट सेल हो रहा है। क्लियर हुआ, सिंपल पास्ट ईयर का डाटा। हाँ पास्ट ईयर का जो डेटा रहा है, जैसे मान लो कि 10 साल में 20 लाख प्रोडक्ट सेल हुआ, तो ट्रेंड में ले लेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आया,
कंपटीटर्स का भी ले सकते हैं। हाँ कंपटीटर्स का, हाँ तो यहाँ कॉम्पिटिटर्स का तो यहाँ बात नहीं हो रहा है, यहाँ अपनी ही कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। अब एकदम बहस में मत इन्वॉल्व हो तुम दोनों, टाइम पास अगर करना है तो जाइए क्लास से बाहर। सुनिए ध्यान से, ट्रेंड एनालिसिस में क्या होगा कि फॉरकास्टर एग्जामिन करेगा एग्रीगेट सेल्स डेटा सच एज एनुअल सेल्स फॉर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स टू फाइंड आउट द सेल्स वर मोस्टली स्टेबल राइजिंग और फॉलिंग, यानी कि आपका स्टेबल सेल रहा है हर साल, बढ़ा है या कमा है, उसको एग्रीगेट डेटा ले लेंगे और इट इज गोइंग टू बी इन ट्रेंड। समझ में आया ट्रेंड कैसे होगा। नेक्स्ट आइए साइक्लिक एनालिसिस। अब ये जो साइक्लिक एनालिसिस है इसके बारे में देखते हैं कि साइक्लिक एनालिसिस में क्या होगा। यहाँ पर आप स्टडी कीजिएगा सेल्स फिगर फॉर द 3 to 5 years, यानी कि यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं था, 20 साल का भी ट्रेंड में ले सकते हो डेटा। यहाँ पर 3 to 5 years का आप पास डेटा जो है उसको ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा, कंसर्न विद द स्टडी द सेल्स फिगर फॉर 3 to 5 years टू फाइंड आउट सेल्स फ्लक्चुएट इन कंसिस्टेंट और पीरियोडिक मैनर। सेल्स इज कंसिस्टेंट एंड बेसिकली इट इज चेंजेस, ठीक है, चेंज हो रहा है कि नहीं, लेकिन इसका जो डेटा कितना साल का होगा, 3 to 5 years का। समझ में आया, 3 to 5 years में क्या सेल हुआ है, नॉर्मल सेल हुआ है, अप्स एंड डाउन्स क्या आए हैं वो आप ले लीजिएगा कि सेल्स में फ्लक्चुएशन किस बेसिस पर हुआ और कितनी बार फ्लक्चुएट हुआ है। यहां तक समझ में आया, आप देखिएगा इसमें सबसे ज्यादा डेटा, इसमें उससे कम और इसमें उससे भी कम डेटा यूज होगा। अब यहाँ क्या है, सीजनल में हम क्या लेंगे, तो सीजनल में लिखिए, सीजनल में लिखिए, सीजनल एनालिसिस का मतलब है हियर वी आर गोइंग टू एग्जामिन डेली वीकली और मंथली सेल्स फिगर, डेली वीकली और मंथली सेल्स फिगर टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इंपैक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर सच एज सीजन, ठीक है, सीजन और फेस्टिवल। यहां पर जो फॉरकास्टर है वो किस डेटा को ले रहा उठा रहा है, डेली मंथली और वीकली बेसिस, ठीक है। तो ये मतलब ये बहुत शॉर्ट टाइम का डेटा को देख रहा है, बहुत नजदीक से डेटा देख रहा है और बहुत रेगुलर इंटरवल पे डेटा को एनालाइज कर रहा है, ठीक है। और यहां पर किस बेसिस पर डेटा आपका जो सेल्स है वो चेंज हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए होली आ गया, क्लोथ्स का सेल एकदम से बूस्ट बूम होगा, मान लीजिए फ्लड हो गया, फ्लड आ गया, सेल लग्जरियस आइटम का डाउन, ठीक है। तो यहां पर फोरकास्टर जो है वो सीजनल एनालिसिस में वीकली डेली और मंथली सेल्स फिगर को डिटरमाइन करेगा और डिग्री ऑफ इंपैक्ट देखेगा कि किस रीजन से ये जो सेल है वो कम हुआ है, किस रीजन से ये सेल बढ़ा है, ठीक है। इंपैक्ट का मतलब असर किस चीज का हो रहा है सेल्स पर, ठीक है। और रैंडम, ये हो गया, समझ में आ गया ना, ये सीजनल समझ आ गया। अब नेक्स्ट लिखिए रैंडम फैक्टर्स, रैंडम फैक्टर्स, रैंडम फैक्टर्स, रैंडम फैक्टर्स। रैंडम फैक्टर एनालिसिस में एग्जामिन करना है सेल्स वेरिएशन ड्यू टू नॉन रिकरेंट और रैंडम फैक्टर, जैसे कि आपका फ्लड, स्प्रेड ऑफ सीजनल डिजीज। देखो यहां पर ये जो रैंडम फैक्टर है ना, जो चीज फिक्स्ड फैक्टर नहीं है, जो चीज अनसर्टेन फैक्टर, जैसे कि मान लीजिए कि फ्लड आने वाला है, ठीक है, फ्लड आ गया इस साल, पता लगेगा, पहले वेदर फॉरकास्ट बताएगा लेकिन आपको 1.5 साल पहले नहीं भविष्यवाणी मिलेगी कि 1.5 साल के बाद फ्लड आ जाएगा, पता लगेगा। ड्राउट नहीं, कोविड लगभग नहीं पता लगा, कोई सीजनल डिजीज जैसे कि आप गर्मियों में देखो क्लोरा और टाइफॉइड और ये जो वाटर बॉर्न डिजीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, या मलेरिया की प्रॉब्लम, डेंगू, तो ये जितने सीजनल डिजीजेस हैं, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, इसकी भविष्यवाणी हम 2 साल 3 साल पहले नहीं कर सकते, है ना। तो वो यहाँ पर जो हम है रैंडम फैक्टर्स में क्या चीज के ऊपर बेसिकली इम्पैक्ट डालेंगे, एनालाइज करेंगे कि जो सेल्स वेरिएशन में चेंजेस आया था उसका रीजन क्या है, जैसे ड्रॉट, फ्लड, स्प्रेड ऑफ सीजनल डिजीज, नेचुरल डिजास्टर। तो ये सब चीज आपके रैंडम फैक्टर में आएगा, यानी अनसर्टेन फैक्टर,
अनसर्टेन फैक्टर और अनकंट्रोलेबल फैक्टर, इन सारे रीजंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्लड को रोक सकते हैं क्या? नहीं, उससे बचने के लिए एनडीआरएफ जो है आपका वो काम कर सकती है ना, नेचुरल डिजास्टर जो रिलीफ जो आपके बेसिकली जो एसोसिएशन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के द्वारा वो काम करेगी, लेकिन रोक नहीं सकती, सही बात है। तो ये आपका होगा टाइम सीरीज एनालिसिस का अनसर्टेन और अनकंट्रोलेबल फैक्टर, अनकंट्रोलेबल फैक्टर, ठीक है। ये जो डेटा है ये लास्ट ईयर के डेटा पे अप्लाई करोगे आप, सब डेटा जो है वो लास्ट ईयर के डेटा पे अप्लाई किया जाएगा और उस बेसिस पर आप सेल्स फॉरकास्ट करोगे। वही तो मैं कह रही हूँ कि रैंडम जो फैक्टर है वो क्या हो सकता है उस बेसिस पर आप थोड़ा बहुत परसेंटेज कट कर लो, ठीक है। ऐसे आप लास्ट ईयर का डेटा भी देखोगे कि रैंडम फैक्टर में क्या क्या इफेक्ट था, जैसे मान लीजिए डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, जैसे कोविड अभी आया, तो इसके बेसिस पर आगे का आपका फॉरकास्टिंग होगा, समझ में आ रही है बात। रैंडम फैक्टर जो है इसको आप लास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पर चेक करोगे कि क्या चीज अचानक से आ गया मार्केट में और किस वजह से, क्या रीजन से ये फेल हो गया, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर नहीं, हटा सकते हाँ। यहाँ पर जो एलिमेंट्स है TCSR, ट्रेंड साइकिल सीजनल एंड रैंडम फैक्टर्स। एग्जाम्पल देखिए, we have seen the impact of regional and widespread drought matlab sukha, drought on demand of a variety of product in India. aapne dekha hoga ki koi bhi natural disaster aata hai, jaise flood abhi bhuneshwar mein, abhi 2-3 saal pehle phoni aaya tha cyclone, bahut sare aapke cyclone hai, uska effect to dikhta hai na market mein. to ye cheez bola ja raha hai ki widespread drought jab hua to usne kahin na kahin india ke product par demand ko decrease kar diya. तो ये जितने भी assumption है ये सब assume करते हैं हम, assumption है और past data जो है उसको देखते हुए, तुमने बोला था ना कि last year का data, तो last year का भी अपन random factor देखोगे और आगे क्या हो सकता है उसको भी ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे क्या हो सकता है assumption है, 10% या 5% sales को decrease कर दो क्योंकि आगे हो सकता है कि natural disaster हो या फिर कोई flood आ जाए इस area में, ऐसा हो, ठीक है। जैसे आपका ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और बांग्ला, ये बंगाल, ये सारे वो एरियाज हैं जो फ्लड प्रोन, ये हैं आपके साइक्लोन प्रोन एंड फ्लड प्रोन एरियाज हैं, बिहार का नॉर्थ बिहार फ्लड प्रोन एरियाज है, तो उस बेसिस पर हम रैंडम फैक्टर्स को तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अब आएगा नहीं आएगा वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रैंडम फैक्टर ऑन दैट बेसिस। बेसिकली फॉरकास्टिंग इज टोटली बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, फॉरकास्टिंग एस्टिमेशन एंड आपके बोल सकते हैं assumption, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखे रिग्रेशन एनालिसिस और कोरिलेशन मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन मेथड। लेट मी टेल यू वन थिंग कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू, आपका मेथड है दिस मेथड ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, यहाँ जो फॉरकास्टर है ये मेथड है रिसेम्बल करने का टाइम सीरीज एनालिसिस को, रिसेम्बल करने का एक मतलब एक कॉपी करने का तरीका है ये। यहाँ जो फॉरकास्टर है वो अटेम्प्ट करेगा टू डिटेक्ट द रिलेशनशिप इन हिस्टोरिकल सेल्स डेटा दैट इज बिटवीन द पास्ट सेल एंड वन और मोर वेरिएबल सच एज पॉपुलेशन, पर कैपिटल इनकम और जीडीपी। यहाँ ध्यान दीजिए क्या है ये रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन दो बार में डबल डबल रिग्रेशन, तो रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखिए कि ये जो मेथड है इसको कोरिलेशन भी कह सकते, कोरिलेशन मेथड भी है, कोरिलेशन मेथड, ठीक है, कोरिलेशन मेथड भी इसको कहेंगे। तो रिग्रेशन एनालिसिस में लिखिए कि जो फॉरकास्टर है यानी कि जो सेल्स को फॉरकास्ट कर रहा है वो अटेम्प्ट करेगा डिटेक्ट करने का कोई भी रिलेशन, हिस्टोरिकल डाटा का रिलेशन, हिस्टोरिकल डेटा का रिलेशन किसके साथ, रिलेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा विथ व्हाट, विथ वन और मोर वेरिएबल्स,
वन और मोर वेरिएबल्स, वन और मोर वेरिएबल्स. यहाँ रिलेशन किसके किसके बीच में देखा जा रहा है? हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट हिस्ट्री का डेटा और वन और मोर वेरिएबल के बीच में. वेरिएबल्स में क्या क्या आएगा? पॉपुलेशन, क्योंकि इट इज नॉट स्टेबल और कॉन्स्टेंट, तो यहाँ क्या आ सकता है? पॉपुलेशन. ठीक है, आपका हो सकता है पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम पर पर्सन के बेसिस पर, एवरेज जो निकलता है, जैसे पूरे कंट्री का पर कैपिटल इनकम पर पर्सन के बेसिस पे कितना इनकम है, तो पर कैपिटल इनकम. ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है जीडीपी, और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हम हिस्टोरिकल डेटा जो है, लास्ट ईयर के डेटा में जो भी चेंजेस और जो भी फ्लक्चुएशन हुआ है वो किस वेरिएबल के इफेक्ट से हुआ? पॉपुलेशन बढ़ा, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ा, ठीक है, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हुआ, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ. जीडीपी तो तभी इंक्रीज होगा जब प्रोडक्शन कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा, तो इसके बेसिस पर भी इंक्रीज हुआ आपका डिमांड, राइट. तो हिस्टोरिकल डेटा और किस वेरिएबल में क्या चेंज आने से इनके लास्ट ईयर के डेटा में चेंजेस आया है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? रिलेशन देखेंगे. इसको कहेंगे हम क्या? रिग्रेशन और कोरिलेशन मेथड या एनालिसिस. समझ में आया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है ना, जीडीपी इज बेसिकली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्शन यानी कितना प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड और प्रोडक्शन कंजप्शन, और ये जो तीनों चीज है वो तीनों सेक्टर में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर, उस बेसिस पे आपका जीडीपी कैलकुलेट होता है. क्या आवाज आ रहा है, बहुत तेज से. चलिए, यहाँ तक समझ में आया ये? तो इसमें आपको रिग्रेशन एनालिसिस में आपका यहाँ पर कोई फॉर्मूला होता है, स्टैटिस्टिकल टूल के बेसिस पर आप चेक कीजिएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर उस बेसिस पर, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का रिग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के बेसिस पर हम रिलेशनशिप निकालेंगे आपके हिस्टोरिकल डेटा का वन और मोर वेरिएबल का, किस तरीके से चेंजेस आया है कोई भी वेरिएबल में चेंज आने से आपके डेटा में, वो हम देखें. पर इस साल वो हो सकता है कि नहीं, ठीक है. तो ये आपका होगा रिग्रेशन एनालिसिस. नेक्स्ट लिखिए इकोनोमेट्रिक मॉडल. इकोनोमेट्रिक मॉडल, इकोनोमेट्रिक मॉडल, इकोनोमेट्रिक मॉडल, इकोनोमेट्रिक मॉडल. अब ये जो मॉडल है इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक थ्योरीज इन मैथमेटिकल टर्म. ठीक है, यहां पर ये जो मॉडल है इट कैन बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड एंड आर यूज्ड टू मेजर द इंपैक्ट ऑफ वन इकोनॉमिक वेरिएबल अपॉन द प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट. जैसे कि आपका यहाँ पर हम क्या क्या चीजों को देख सकते हैं, या यहाँ पर फैक्टर क्या क्या हो सकता है, इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लूँ. एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड नेचुरल फैक्टर, वही सेम चीज है, रिग्रेशन वाला ही हाल है. यहाँ पर आप वही देखेंगे जो पेस पास डेटा है उसमें फ्लक्चुएशन किस बेसिस पर हो रहा है, जैसे एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर हो रहा है, आपके इनकम के बेसिस पे. एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि ये कंप्यूटर्स के थ्रू हो सकता है. तो ये जो मेथड इकोनॉमिक इकोनॉमेट्रिक जो मेथड है इट इज रिक्वायर्ड एज स्पेशलाइज इन मैथमेटिक्स और एक्चुअरियल साइंस के जो लोग होते हैं, जो पूरा मैथमेटिकल रिसर्च जानते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होगी. और ये जो मॉडल है ये गुड सही है उन प्रोडक्ट्स के लिए जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि ये जो इकोनोमेट्रिक मॉडल इसमें लिखिए मैथमेटिकल टर्म्स इकोनोमेट्रिक में लिखिए, मैथमेटिकल टर्म्स यहाँ पर यूज होगा. क्या आवाज आ रही है? इकोनोमेट्रिक में लिखिए, थियोरेटिकल टर्म्स की जरूरत है. ये जो मॉडल है ये वेरीफाई किया जाएगा बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड के बेसिस पर, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल के बेसिस पर. और ये यूज किया जाएगा मेजर करने के लिए इम्पैक्ट, यानी क्या असर पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज पर.
इसको लिखो, इसको लिखो, लिखो, ये तो समझ आ गया ना रिग्रेशन, इसको भी लिखो। ये मैथमेटिक्स का जो ये आपका सेल्स फॉरकास्ट है, ये दिस क्वेश्चन कैन बी रेज्ड दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू सेल्स फॉरकास्ट, ये सारे टर्म्स याद होने चाहिए ना। इकोनोमेट्रिक मॉडल में लिखिए, ये मॉडल जो है ये किस चीज पे बेस्ड है आपके, मैथमेटिकल राइट और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है। और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो है, यानी इकोनोमेट्रिक मॉडल है, इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड, ये मेजर करेगा इंपैक्ट को, मेजर करेगा किसको, इंपैक्ट को, ऑन व्हाट, ऑन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब ये जो आपका पास के लिख रहे हो तो समझ लीजिएगा, मेजर करेगा इंपैक्ट को किसका, सेल्स और प्रोडक्ट और सर्विसेज पर। और ये मेजर इंपैक्ट किस किस बेसिस पर करेगा, तो इकोनॉमिक के बेसिस पर करेगा, जो इकोनॉमिक्स टर्म में जैसे आपके एम्प्लॉयमेंट पर, ठीक है, इनकम के बेसिस पर जो चेंजेस आ रहे हैं प्रोडक्ट के गुड्स सेल्स में, वो यहाँ मेजर करेगा इकोनोमेट्रिक मॉडल। और ये एक मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट में लिखिए मार्केट टेस्ट, मार्केट टेस्ट, मार्केट टेस्ट, ये समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट लिखिए मार्केट टेस्ट, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मार्केट टेस्ट, ओके, मार्केट टेस्ट में लिखो कि यहां पर जो मेथड है ये इन्वॉल्व होगा, मतलब दिस मेथड इन्वॉल्व्स making the product available to potential customer in one or more test market to measure the response to price, promotion and distribution. अब market test से तो पता लग रहा होगा क्या होगा ये, कि consumer के सामने हम samples और उनको test करने के लिए product available कराएंगे, जैसे, ठीक है, जैसे mall वगैरह में market test होता है ना, आप response check कीजिएगा कि consumer का response क्या है। जैसे मान लीजिए एक ये कप है और ये 20 रुपए का सेल कर रहे हैं, तो मार्केट में इस कप को लेने के लिए क्या रिस्पॉन्स है कंज्यूमर का, तो जो तीन पीज है ना उस पे हम लोग देखेंगे कि आपका प्राइस से क्या इफेक्ट पड़ रहा है कंज्यूमर के ऊपर, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट को प्रमोट करने से कितने कंज्यूमर्स इन्फ्लुएंस होकर प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी हो रहे हैं, और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्ट्रीब्यूट जब हम कर रहे हैं तो उसका डिमांड क्या हो रहा है, यानी बिहार में क्या है इसका डिमांड है, इसका डिमांड कोलकाता में क्या है, इसका डिमांड आपके दिल्ली में क्या है, ये हम रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। मार्केट टेस्ट का मतलब ये है कि जब हम प्रोडक्ट को अवेलेबल करा देंगे पोटेंशियल कस्टमर को, यानी जिस कस्टमर के लिए हमने बनाया है या जो कस्टमर इस प्रोडक्ट को खरीद सकता है, वो पोटेंशियल कस्टमर हुआ, तो उनको हम प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे, एक और दो टेस्ट मार्केट करेंगे, यानी हर जगह पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं कराएंगे, सिर्फ एक जगह पे प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे, जैसे मान लीजिए पटना में लॉन्च कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप रिस्पॉन्स चेक कीजिएगा कि प्राइस को लेकर के लोगों को क्या विलिंगनेस है, अगर प्रोडक्ट का प्राइस हाई है विलिंगनेस कम है, तो ये आपको एक बताएगा, आंसर देगा कि प्रोडक्ट का प्राइस लो करना है, ठीक है, विलिंगनेस ठीक है और जो डिमांड है वो भी ठीक है, तो प्राइस इज सुटेबल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन, प्रोडक्ट को जब हम प्रमोट कर रहे हैं तो उस प्रमोशन का इफेक्ट क्या कंज्यूमर के अवेयरनेस पे पड़ रहा है, कंज्यूमर अवेयर हो रहा है प्रोडक्ट के बारे में, इंटरेस्ट ले रहा है खरीदने में, तो प्रमोशन के इम्पैक्ट को मेजर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पटना के हर एक एरिया में प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कराने से प्रोडक्ट की सेल पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो सब चीजें को हम चेक करते हुए ये मेथड जो है वो हमें परमिट करेगा इवैल्यूएट करने के लिए क्या चीजें, रिजल्ट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम, यानी फाइनली हमारा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है प्राइस की वजह से, प्रमोशन की वजह से और डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस की वजह से। आगे बात समझ में, तो मार्केट टेस्ट के लिए हम ना गुड्स को यूज, मतलब
सेल करना शुरू कर देंगे, एक दो मार्केट में हम स्टार्ट करेंगे, लॉन्च करेंगे और रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो कितना विलिंगनेस दिखा रहे हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, समझ में आया? ये सबसे ज्यादा मार्केट टेस्ट यूजफुल तब है जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, ऑब्वियसली तब तो एनपीडी के लिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या न्यू प्रोडक्ट को जब आप लॉन्च करते हैं तब, या तो फिर जब आप नए प्रोडक्ट को अपने एग्जिस्टिंग मार्केट से, मान लीजिए कि जो आपने पहले भी प्रोडक्ट सेल किया अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल कर रहे हो, उससे जब दूसरे मार्केट की तरफ मूव ऑन करते हैं उसके लिए। मान लीजिए कोलकाता में एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है बहुत सालों से, अब वो कोई नया प्रोडक्ट लेकर आया और उसको माने कि हम प्रोडक्ट को एक्सपैंड करें या फिर सेल को बढ़ाएं, तो उसने पटना में भी लॉन्च कर दिया। अब पटना में लॉन्च करेंगे तो कोलकाता और पटना मार्केट में डिफरेंस होगा ना, कंज्यूमर की प्रायोरिटी और प्रेफरेंसेस और कल्चर में डिफरेंस है, तो पटना में क्या रिस्पॉन्स हो रहा है प्रोडक्ट का वो मेजर करेंगे। यानी जब आप एग्जिस्टिंग मार्केट को चेंज करते हो, जब या फिर नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, तो वहां पर वी कैन यूज दिस मार्केट टेस्ट। समझ में आया? क्लियर हो गया? क्या हो गया तुम्हें? समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन मेथड, दिस वन इज द लास्ट वन। कॉम्बिनेशन मेथड आगे लिखी इसी में अंदर ही। बहुत सारे ऐसे भी आपके बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, जैसा आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहता है, बहुत सारी कंपनी यूज ओनली मेथड ऑफ सेल फॉरकास्टिंग दैट दे आर फाउंड टू बी रिलायबल। बहुत सारी कंपनीज बिलीव करती है, कोई भी सिंगल मेथड को यूज नहीं करती है, अपने कॉन्फिडेंस को यूज करती है, अपने एक्सपीरियंस को यूज करती है फॉरकास्ट करने के लिए। इसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन मेथड। समझ में आया? पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट डेटा एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द सेलर और मार्केटर इज गोइंग टू बी यूज फॉर सेल्स फॉरकास्ट। हो सकता है। चलिए, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट वन इज, तो कॉन्फिडेंस भी तो तभी बिल्ड होगा ना जब आपके पास रिलायबल डेटा होगा। जैसे मान लीजिए कि आज इलेक्ट्रिक कार आने वाला है, तो इलेक्ट्रिक कार कितना बन रहा होगा, कितना कॉस्ट लग रहा होगा, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस है ना कि भाई सेल होगा, क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस हाई हो रहा है। तो रिलायबल डेटा आपके पास जब है, कॉन्फिडेंस तब आता है जब नॉलेज होता है। बिहार में सीएनजी अलाउड है, उसके अलावा जो बाकी ऑटोज हैं उनको अभी बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए, क्यों हुआ है ये चीज? क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। ठीक है, सीएनजी जो है दैट इज अ एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बट द पेट्रोल एंड डीजल आर दैट इज बेसिकली पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट, एंड बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन इंडेक्स दिस एक्शन वाज टेकन बाय द बिहार गवर्नमेंट। समझ में आया? चलिए, तो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। जितने टाइप कराए सबको समझ आ गया? क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट द नेक्स्ट चैप्टर जो है वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। एसटीपी सुना है? एसटीपी सुना है? शांत रहो। एसटीपी का मतलब क्या होता है? एसटीपी का मतलब, ये वर्ड जो है आप लोगों को क्या सुना है समझ में? स्पेशल टैलेंटेड पर्सन नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जब, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि हर कंपनी प्रोडक्ट जो बनाती है हर पर्सन के लिए बनाती है? कुछ कन्वीनियंस गुड्स और प्रोडक्ट को छोड़िए जिनके मास कंज्यूमर्स होते हैं, तो जब हम टाइप्स ऑफ आपके टारगेटिंग पढ़ेंगे तो उसमें समझाऊंगी मैं इसको। लेकिन हर कंपनी का कोई ना कोई टारगेट कस्टमर्स होता है और उनके लिए वो प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन ये टारगेट कस्टमर को समझने से पहले हमें मार्केट को डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में हर टाइप के कस्टमर है। हेट्रोजेनस सिचुएशन है, उसको होमोजेनस में जब हम कन्वर्ट करते हैं, सब कस्टमर की नीड को समझते हुए जब एक गुड्स को प्रोवाइड करते हैं, है ना? सो आपका सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द मार्केट और चेंजिंग और कन्वर्टिंग द हेट्रोजेनस मार्केट टू द होमोजेनस मार्केट। ठीक है, और आपके जो सेगमेंटेशन होता है वो मल्टीपल बेसिस पर होता है। ज्योग्राफिक के बेसिस पर प्रोडक्ट बनाएंगे और सिर्फ पटना में बेचेंगे, ज्योग्राफिक।
डेमोग्राफिक बेसिस पर, एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, जेंडर, इस बेसिस पर जब हम गुड्स को सेल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में ले लीजिए आपके जूनियर हॉर्लिक्स किसके लिए है, किड्स के लिए, ठीक है, तो ये डेमोग्राफिक में आ गया। या फिर फास्ट ट्रैक ले लीजिए किसके लिए, यूथ के लिए, किसमें आ गया, डेमोग्राफिक, यंगस्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका साइकोग्राफिक, ठीक है, साइकोग्राफी रिलेटेड विद द पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल, रॉयल एनफील्ड, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका बिहेवियरल, परचेजिंग ऑफ गुड्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज, बिहेवियरल के बेसिस पर, ठीक है। तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है जब हम मार्केट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। टारगेट का मतलब जो सेगमेंटेड मार्केट है उस बेसिस पर कौन से सेगमेंट को चूज करें, जेंडर के बेसिस पे मेल के लिए प्रोडक्ट बनाए, फीमेल के लिए प्रोडक्ट बनाए, एज के बेसिस पर ओल्ड पीपल के लिए प्रोडक्ट बनाए, आपके इन्फेंट के लिए प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, टीनेजर्स के लिए प्रोडक्ट बनाए। सो यहाँ पर आपका जो टारगेटिंग है दैट शुड बी और दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द सेगमेंटेड मार्केट, कौन से सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाना है, टारगेट कर लिया। पोजिशनिंग, उस प्रोडक्ट को सेल कैसे करेंगे, पोजिशन कैसे बनाएंगे, जैसे सेगमेंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, जिंगल्स यूज कर सकते हैं, क्वालिटी बेसिस पर पोजिशनिंग कर सकते हैं, प्राइस के बेसिस पर पोजिशनिंग कर सकते हैं। स्टेटमेंट जैसे डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, तो ये क्या है, पोजिशनिंग है, स्टेटमेंट है, हाँ, दो मिनट मैगी स्टेटमेंट है, तो ये पोजिशनिंग करना, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सेगमेंटेशन क्या है, टारगेटिंग क्या है और पोजिशनिंग क्या है। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट व्हाट एवर वी डिस्कस्ड, किसी को भी कोई डाउट है किसी पॉइंट में? मार्केट टेस्ट का मतलब होता है बेटा कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट को बनाया लेकिन आपने उसकी क्वांटिटी को फॉरकास्ट नहीं किया कि कितना सेल होगा, तो जब आप क्या करोगे, मार्केट पे ही अप्लाई कर दोगे, मार्केट में इंप्लीमेंट कर दोगे। ये कप बनाया पटना में, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेल करने के लिए, अब इस कप के प्राइस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इस प्रोडक्ट के सेल का 10 रुपए है तो इसका कप का सेल एकदम नहीं है, तो प्राइस के बेसिस पर क्या रिस्पॉन्स है, लोग प्राइस की वजह से खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, इसका प्रमोशन कैसे करें, उस प्रमोशन के बेसिस पर इसका क्या डिमांड होगा। और हर जगह अवेलेबल जो करवा रहे हैं या कहीं पर भी लिमिटेड जगह पर अवेलेबल करा रहे हैं, अवेलेबिलिटी पर इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, यानी अदर जो 3 P's है प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद, जो अदर 3 P's के बेसिस पर चेक करेंगे कि प्रोडक्ट का डिमांड क्या है और उस बेसिस पर फॉरकास्ट करेंगे। प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स अच्छा है, सेल हो रहा है, तो उस बेसिस पर हम सेल फॉरकास्ट करेंगे। समझ में आया? प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, प्राइस रिड्यूस भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन रिड्यूस वाला कॉन्सेप्ट में तो ऐसा कभी होगा नहीं कि प्राइस बढ़ा दोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो कभी नहीं होगा, इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का। चलिए, एनीवन हैव एनी डाउट? ओके।